Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. This is the Sinan Ansari and I am your computer teacher. Today we will discuss the basic program. Basic program is a statement ko dekhte hain, kya write a program that print digit from 1 to 10. Ek aisa program likhi jiske andar aapne 1 se lekar 10 tak ke digits ko print karna hai. अब मेन जो स्पेसिफिक कंडीशन हमें यहाँ मेंशन की है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है बड़ा उन्होंने मेंशन किया है बाय यूजिंग व्हाइल लूप बाय यूजिंग व्हाइल लूप अब वो कैसे करते हैं सबसे पहले हमें पता है कि जब हम बेसिक तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो लाइन नंबर लिखते हैं हमने लिखा 10 तो यहाँ मैंने लिखा एन इज इक्वल टू 1 एन क्या है बेसिकली हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं आपको मालूम होगा कि एन एक वेरिएबल है और वेरिएबल कुछ भी हो सकता है n is equal to 1 हमने initialize किया जब इस तरीके से लिखा जाता है तो इसे हम कहते हैं variable initialization यानी जो variable है उसको बता दिया गया कि उसने कहाँ से initial करना है तो n is equal to 1 line number 20 में हमने लिखा while एक keyword है या as it is other same n is less than equal to 10 यानी कि जो n की value है वो 1 से start हो रही है और जाएगी कहाँ तक 10 तक अब इस कंडीशन को बड़े समझने की बात है तो उसमें बड़े क्लियर वर्ड्स में मेंशन किया कि n इज लेस देन इक्वल टू 10 यानी कि या तो वो 10 के इक्वल होगी या वो 10 से कम होगी अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगर मैं यहां लिख देता n इज लेस देन 10 अब n इज लेस देन 10 का क्या मतलब है मैं बोल रहा हूं जरा उन अल्फाज पे गौर करें n इज लेस देन 10 10 से कम इस स्टेटमेंट के अंदर क्या 10 इंक्लूड है नहीं है लेकिन इसके अंदर जिसने लिखा हुआ है n is less than equal to 10 इसका मतलब ये है कि 10 भी इंक्लूड है और 10 से स्मॉल जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी इंक्लूड है लाइन नंबर 30 में देखते हैं हमने लिखा प्रिंट n यानी कि फॉर एग्जांपल पहले बार n की वैल्यू 1 थी तो वो क्या हो गई प्रिंट हो गई स्क्रीन पे प्रिंट हो गया फिर हमने इस फार्मूले को कर दिया यहाँ भी n की वैल्यू 1 थी 1 प्लस 1 n की वैल्यू कितनी होगी 2 हो गई फिर लाइन नंबर यहाँ से आप दोबारा यहाँ चले गए यहाँ दोबारा क्या देगा आपके पास आप n की वैल्यू चेंज देगी n की वैल्यू अब 2 हो जाएगी कि यहाँ पे दोबारा आ जाएगा ये 2 को प्रिंट कर देगा जब यहाँ पे सम निकल जाएगा सम निकलने के बाद यहाँ पे दोबारा वो रिपीट हो जाएगा लाइन नंबर 20 में चला जाएगा अब आपकी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी तो बच्चे ये हमारा जो टॉपिक है इस टॉपिक के अंदर अगर आप देखें बड़े क्लियर तरीके से कि आपको व्हाइल लूप के यूज के बारे में पता चल रहा है वो किस तरीके से यूज करना है कि अगर आपको याद हो तो जब मैंने इसका सेंटेंस लिखा था इसमें सेंटेंस लिखते हुए मैंने लिखा था व्हाइल और व्हाइल लिखने के बाद इसके फौरन बाद मैंने इसकी एक्सप्रेशन लिखी थी यानी कि कंडीशन लिखी थी अब ये देखें ये क्या है इसकी वो एक्सप्रेशन है इसकी वो कंडीशन है अब वो क्या कंडीशन है बड़ी क्लियर है अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा उसने कहा कि इसमें n की वैल्यूज आनी है लेकिन n की वैल्यूज कौन सी है वो जो 10 या 10 से कम है n को स्पेसिफिकली यहाँ कोई खास मतलब तो नहीं है लेकिन यहाँ उन्होंने वेरिएबल n इस वजह से भी लिया होगा क्योंकि n रिलेट कर रहा नेचुरल नंबर से और 1 2 3 4 10 तक ये तमाम के तमाम आपके पास नेचुरल नंबर्स भी हैं तो सो n इज लेस देन इक्वल टू 10 यानी कि n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक है लाइन नंबर 30 में आपने प्रिंट n करा दिया तो अगर आप देखें हर बार ये 1 2 3 4 5 6 सो ऑन ये प्रिंट होता रहेगा इसका मतलब ये है उसने हमें क्या कहा राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट डिजिट फ्रॉम 1 टू 10 एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो आपके 1 से लेकर 10 तक के डिजिट्स को क्या कर दे प्रिंट कर दे अगर आप देखें लाइन नंबर 15 में हमने उसको क्या कर दिया प्रिंट कर दिया प्रिंट करने के बाद लाइन नंबर 16 में एंड कर दिया और यहां अगर आपको याद होगा तो हम लिखते थे व्हाइल कंडीशन फिर हम डॉटेड लिखते थे फिर हम यहां लिखते थे लूप स्टेटमेंट लूप की स्टेटमेंट लिखते थे और नीचे जाके अगर आप यहाँ देखें कि ये आपके पास वाइल है और ये आपके पास दो क्या है लूप की स्टेटमेंट्स हैं ये आपके पास क्या है फ्रेंड है इसी तरीके से लाइन नंबर 16 में आपका प्रोग्राम एंड हो गया बहुत ही सिंपल और शॉर्ट सा एक प्रोग्राम है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप लोगों ने इसकी लास्ट में प्रैक्टिस करनी है कीप इन माइंड कि अगर आपने प्रोग्रामिंग करनी है तो प्रोग्रामिंग हमेशा प्रैक्टिस
ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतनी ज्यादा ही आप कुछ चीजें या प्रोग्रामिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे और एज अ रिजल्ट यू विल बिकम अ गुड प्रोग्रामर। होप सो यू गॉट माय पॉइंट एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप नंबर, यू कैन कॉल मी। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू रिप्लाई। अल्लाह हाफिज। की अमानुल्लाह।